स्टूडेंट क्लास सिक्स एंड सेवन। आई एम स्वाति सिंह, योर सब्जेक्ट टीचर। नाउ अगेन वी मीट आवर क्लास। डेट इज 9/6/20, मंथ इज जून, डे इज ट्यूजडे। आपका सब्जेक्ट हिंदी है और उससे रिलेटेड हिंदी ग्रामर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आज का आपका लेसन है 6, टॉपिक लिंग, इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पूर्व के पाठ्यों में हम लोगों ने भाषा, लिपि, व्याकरण, पाठ 1 वर्ण विचार, पाठ 2 शब्द विचार, पाठ 3 वाक्य विचार, पाठ 4 और संज्ञा 5। इन सारे पाठों के अंतर्गत मैंने आप लोगों को परिभाषा, भेद, उदाहरण के साथ अभ्यासगत प्रश्न उत्तर को मौखिक और लिखित रूप से पढ़ाया और समझाया भी। साथ ही गृह कार्य के रूप में मैंने आप लोगों को पाठ 4 और 5 के लिए प्रोजेक्ट वर्क दिया था। एक्सेप्ट करती हूँ कि आप लोग उस प्रोजेक्ट वर्क को तैयार कर रहे होंगे। पढ़ाए गए सभी पाठ्यों की विस्तृत जानकारी को व्याकरण उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार लिखने को निर्देशित भी किया था मैंने। उम्मीद है बच्चों आप लोग उस काम को भी कर लिए होंगे। जब हम लोग मिलेंगे, स्कूल खुलेगा, तो जो कुछ भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसकी हम लोग जाँच करेंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अगेन आई रिपीट, टॉपिक इज लिंग। आज का पाठ हम कुछ उदाहरणों के द्वारा आरंभ करेंगे और उसके अनुसार ही हम लिंग को समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण को समझेंगे, उसके बाद लिंग की परिभाषा पे विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। कॉपी को देखेंगे बच्चों। मैदान में बालक बालिका खेल रहे हैं, मोर और मोरनी नाच रहे हैं, गाय दूध देती है और बैल कृषि कार्य में काम आते हैं। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों से प्राणियों के नर या मादा होने का पता चलता है। इस आधार पर हम लिंग की सही परिभाषा की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने रेखांकित शब्दों की बात की है। नाउ अब लिंग की परिभाषा को हम डिटेल्स में जानते हैं। लिंग परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से यह पता चले कि वह पुरुष या नारी जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। प्रथम भेद पुल्लिंग है और द्वितीय स्त्रीलिंग। स्टूडेंट्स, लिंग के पहले भेद को मैं परिभाषित करने जा रही हूँ। ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप समझ रहे हो कि मेरा रूप स्त्रीलिंग है। आप लोग पढ़ रहे हो, छात्र होंगे, छात्राएं होंगे, तो आप लोग लिंग को समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने पुल्लिंग का उदाहरण दिया है। बालक, भाई, पिता, सूर्य, चंद्रमा, शेर, घोड़ा आदि। इन शब्दों से पता चलता है कि लिंग के भेद के अनुसार ये पुल्लिंग रूप है इन शब्दों का। सेकंड आपका है स्त्रीलिंग। इसकी परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं।
यहाँ पे मैं उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश की हूँ आप लोगों को। बालिका, माँ, बहन, घोड़ी, मोरनी आदि, इन शब्दों से बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि स्त्रीलिंग रूप है। अब आइए बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा से बहुत सिंपल है, आप इंग्लिश में भी पढ़ लिए होंगे जेंडर। इसकी मुख्य बात जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु, लिंग निर्णायक वाक्य। वाक्य के द्वारा हम लिंग को किस प्रकार से समझेंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। संज्ञा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के भेद को भी समझा, तो आप समझ रहे हो कि संज्ञा किसे कहते होंगे। संज्ञा शब्दों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित करते हैं। सजीव, सजीव संज्ञा शब्दों की लिंग की पहचान सरल है, अर्थात सजीव संज्ञा शब्दों की लिंग की पहचान सरल है। जैसे बालक पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है। निर्जीव संज्ञा शब्दों को वाक्य प्रयोग के आधार पर ही उनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का निर्धारण करते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण को समझने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करके ही निर्जीव लिंग को समझ पाते हैं। यहाँ पे मैं उदाहरण के द्वारा बताने की कोशिश की हूँ आप लोगों को। जैसे हवा में छाता उड़ गया, हाइलाइटेड किया है मैंने शब्द को, छाता पुल्लिंग है। छाता शब्द से आप समझ रहे हो कि यह निर्जीव वस्तु है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों यहाँ पे मैंने हिंदी को हाइलाइटेड किया है, यह स्त्रीलिंग रूप है। ये भी आप देख रहे हो कि हिंदी है, तो वाक्य प्रयोग के द्वारा ही हम निर्जीव संज्ञा शब्दों को लिंग समझ पाएंगे। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग कुछ और बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे लिंग को समझने के लिए। किसी भी वस्तु, प्राणी अर्थात सजीव और निर्जीव शब्दों के लिंग पहचानने का सरल तरीका वाक्य प्रयोग में क्रिया के रूप पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों, यहाँ क्रिया की बात आई है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य संपूर्ण नहीं होता है। क्रिया की परिभाषा आप जानते हो कि कार्य करना। तो अगेन इसको मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी अथवा सजीव या निर्जीव शब्दों के लिंग पहचानने का सरल तरीका वाक्य प्रयोग में क्रिया के रूप पर भी निर्भर करता है। लिंग के अनुसार क्रिया होगी तो हम समझ जाएंगे यह कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखिए तीन उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है। पानी के बिना पौधा मुरझा गया। दूसरा है, हमारा परिवार साथ रहता है। तीसरा, कल रात तेज आंधी आई। बच्चों यहाँ पे भी मैंने शब्दों को हाइलाइटेड करके समझाने की कोशिश की है। पहला उदाहरण, पानी के बिना पौधा मुरझा गया में पौधा पुल्लिंग है। दूसरा उदाहरण, हमारा परिवार साथ रहता है, यह सजीव शब्द है परिवार, लेकिन इसका लिंग पुल्लिंग है। कल रात तेज आंधी आई, आंधी यहाँ पे स्त्रीलिंग है। स्वाभाविक सी बात है कि आंधी, हवा, इन सब चीज़ों को हम महसूस करते हैं, शब्द के अनुसार महसूस करते हैं, देखते नहीं हैं। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि लिंग को परिभाषा के द्वारा भी और सजीव निर्जीव लिंग को किस प्रकार से समझेंगे। सेकंड, शब्दों का लिंग परिवर्तन, लिंग को कैसे परिवर्तित किया जाएगा, अर्थात पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित करना।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है कि यदि संज्ञा में, संज्ञा शब्दों में अ को आ करके स्त्रीलिंग रूप दिया जा सकता है, दूसरा है अ या आ को ई करके स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द, पहला देखिए बच्चों, अ को आ करके बाल स्त्रीलिंग रूप है बाला, प्रिय पुल्लिंग है स्त्रीलिंग रूप है प्रिया। यदि संज्ञा शब्द में पुल्लिंग में अ या आए तो ई शब्द में जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। पुत्र उच्चारण, मैंने पहले भी उच्चारण स्थान को आप लोगों को समझाया है, स्वर और व्यंजन वर्ण को समझाने के समय में पुत्र अ आ रहा है, इसका स्त्रीलिंग रूप पुत्री हुआ। यहाँ मुर्गा है, लास्ट में आ रहा है, स्त्रीलिंग रूप मुर्गी। मामा का मामी। आ को इया करके लोटा, उच्चारण से आप समझ रहे होंगे लोटा आया, इसका स्त्रीलिंग रूप लुटिया हुआ। डिब्बा डिबिया, चूहा चूहिया। इन जोड़कर जब शब्द पुल्लिंग हो, जैसे लुहार, इसमें इन जोड़ेंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए, लुहारिन। ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन। पांचवा है अक को इका करके, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक आया तो इका प्रत्यय जोड़ के हम लिंग निर्धारण करेंगे, बालक बालिका, परिचायक परिचायिका। सिक्स्थ है आइन जोड़कर, उदाहरण लाला ललाइन, गुरु गुरुआइन। इन शब्दों से आप समझ रहे होंगे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि लाला पुल्लिंग रूप है तो इसमें आइन लगाकर हम लोगों ने स्त्रीलिंग बनाया। सातवां है आपका कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर हम स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, जैसे शेर शेरनी, मोर मोरनी, भील भीलनी। आठवां है आपको आन को अति तथा वान को वती करके स्त्रीलिंग रूप बनाना, श्रीमान। उच्चारण के अनुसार देखिए बच्चों, आन आ रहा है यहाँ पे, श्रीमती, गुणवान गुणवती। आनी जोड़कर सेठ पुल्लिंग शब्द है, सेठानी स्त्रीलिंग रूप है। देवर पुल्लिंग, देवरानी स्त्रीलिंग रूप। भव पुल्लिंग शब्द, भवानी स्त्रीलिंग रूप। तो आनी जोड़कर हम लोगों ने इन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग रूप दिया। दसवां है आपको इनी जोड़कर, हाथी हथनी, स्वामी स्वामिनी। ग्यारहवां, ये पॉइंट आपको कुछ विशेष रूप से समझना होगा बच्चों। ये जो 10 पॉइंट मैंने बताया, जिन बच्चों के पास पुस्तक होंगे वो, और जिनके पास नहीं है वो भी, क्योंकि पुस्तक में जो विस्तार दिया गया है उसको संक्षिप्त रूप देकर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ लिखित रूप से, तो इसीलिए आप लोग कॉपी में इसको तो स्वाभाविक रूप से लिखना ही है आप लोगों को। 11वां पॉइंट आपको समझना है, बस इन सब को याद रखना है, मनन करके याद रखना है, तो आपको लिंग परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 11वां पॉइंट पे हम आते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नए रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कुछ जो पुल्लिंग शब्द है उसका ऐसा रूप होता है जिनका स्त्रीलिंग रूप बनाते वक्त नया रूप परिवर्तित हो जाता है। यदि हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये विलोम शब्द है, लेकिन नर का स्त्रीलिंग रूप नाड़ी होगा। चिता, चिता शब्द संज्ञा पुल्लिंग है। अब हम इसका अगर चिती बनाते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है बच्चों, तो इसमें हम स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। मच्छर पुल्लिंग ही रूप है और इसमें भी हम मादा शब्द का प्रयोग करके स्त्रीलिंग रूप देंगे।
अर्थात कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रूप में आते हैं और उनका स्त्रीलिंग रूप देने के लिए हमको मादा शब्द, जैसे चिता में मैंने मादा जोड़ा, मच्छर में मादा मच्छर जोड़ा, तो मादा मच्छर का मतलब हो गया या स्त्रीलिंग। विशेष जानकारी यह आपको याद रखना है बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए नर शब्द जोड़कर पुल्लिंग का रूप देते हैं। यहाँ पे पहले ही मैं आप लोगों को 11वां पॉइंट में बता चुकी हूँ, फिर से एक बार इसको बोल रही हूँ। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए नर शब्द जोड़कर पुल्लिंग का रूप देते हैं, जैसे मछली, कोयल, मक्खी। सेकंड है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग रूप मादा शब्द जोड़कर किया जाता है, जैसे गीदड़ का गिदरनी बोलेंगे तो निरर्थक शब्द हो जाएगा, खटमल का खटमली बोलेंगे तो ये भी निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। खटमल अपने आप में पुल्लिंग संज्ञा शब्द है लेकिन खटमली निरर्थक शब्द हो जाता है, तो इसीलिए इन शब्दों में हम मादा शब्द का प्रयोग करके स्त्रीलिंग रूप का निर्माण करेंगे। ये आपका पहला और सेकंड पॉइंट, और एक तीसरा भी मैं बताने जा रही हूँ, ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से इन संज्ञा शब्दों का लिंग प्रयोग होगा, जो सदैव स्त्रीलिंग होंगे या जो सदैव पुल्लिंग होंगे। आइए अब तीसरी पॉइंट को समझते हैं। कुछ संज्ञा शब्द उभयलिंगी होते हैं, ये शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में भी समान रूप रखते हैं। वाक प्रयोग के आधार पर इनके लिंग की जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, हर कक्षा में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जिन शब्दों को हाईलाइटेड किया जा रहा है उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, आपको कोई भी पाठ समझने में बहुत सरल होगा। उभयलिंगी, एक तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो भेद को समझे, अब है कि उभयलिंगी क्या है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि इनका जो ये शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में भी समान रूप रखते हैं, वाक प्रयोग के आधार पर इनके लिंग की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल्स दिए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, इनका मैंने वाक्य के द्वारा समझाने की कोशिश की है। डॉक्टर रोगी को देख रही है, यहाँ पे डॉक्टर रोगी को देख रही है, क्रिया देखिए बच्चों, देख रही है, तो क्रिया के अनुसार यहाँ पे डॉक्टर स्त्रीलिंग है, इंजीनियर पुल्लिंग है, बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। इंजीनियर स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। क्रिया वाक्य बनाकर क्रिया के आधार पर हम इन शब्दों का लिंग की पहचान करेंगे। प्रधानमंत्री, वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। बच्चों, प्रधानमंत्री पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यदि आपकी प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग होती तो भी हम क्रिया के आधार पर जानते कि प्रधानमंत्री पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, और वाक्य निर्माण के द्वारा।